नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र तिवारी आपका वंदन कर रहा हूँ, पुनः अभिनंदन कर रहा हूँ। अनअकैडमी स्टूडियो प्लेट से हम अब 1, 2, 4, 5, 10, 50 नहीं 533 पद हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में। और उसमें जो पार्ट आता है विविध का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, और विविध में बड़े सामान्य क्वेश्चन होते हैं जो हम कई बार गलती कर जाते हैं। एक कहावत है कि मच्छरों को मारने के लिए बोफोर्स नहीं लेना चाहिए, तो हम कई बार क्या करते हैं कि इतने नुक्ताचीनी वाले इतने कठिन क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं और सामान्य से क्वेश्चन के बारे में कहते हैं ओ नो ये गलत हो गया है। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको बेस आपको आपके आपका बेसिक नॉलेज आपका तय करते हैं। तो अगर आपने अपने बेसिक नॉलेज को सही कर दिया तो आपका पेपर आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने साथी कलाकार हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं वो सारे सारे के सारे लेट्स क्रैक इट अभियान में लगे हैं कि जो 2019 का प्रारंभिक परीक्षा पास करा देंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मुख्य परीक्षा तैयार कराऊंगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ धर्म पढ़ रहे हैं, हमने अभी सिख धर्म और बौद्ध धर्म को लिया है। आज हम एक छोटे से चैप्टर्स में आज इस्लाम धर्म पे काम करेंगे हम। तो मैं चूंकि एकदम अचानक मैंने इस्लाम धर्म बोल दिया है तो मैं आज इस्लाम पे पढ़ा देता हूँ, तो या यहूदी धर्म पढ़ा देता हूँ, इनमें से कोई भी धर्म एक उठाता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ऐप, ये मेरा धर्म है कि मैं अनअकैडमी पे काम करता हूँ, तो मुझे ये जानकारी आपको देना होगी। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, सिलेक्ट अपने गोल्स को करिए। यहाँ देखेंगे काफ़ी फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स है, और लैंग्वेज ऑफ योर च्वाइस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्यूज हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है। आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप किसी भी से भी पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े धुरंधर से ही यहाँ पे इन लोगों का आपको ज्ञान मिलेगा। ये आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, बड़े लोग हैं ये लोग, और काफ़ी कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, एमपी, स्पेसिफिक टॉपिक, प्रैक्टिस एंड इंडियन इकोनॉमी पर भी है। और ये ज्ञान की तिजोरी खुलती है सब्सक्रिप्शन से, और ये सब्सक्रिप्शन्स जो होता है वो सिर्फ 7,000 रुपये लगते हैं एक साल के, ना कि एक माह के। आप देखिए, आप लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं, पर यहाँ पे 12 माह 24 घंटे 24x7 ये पूरा अप्लाई होता है। आप अपना मोबाइल जब भी खोलेंगे तब आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पे अगर वो 7,000 की बात की थी मैं, उसमें भी सुधार कर लेता हूँ कि अगर आपको जब जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कराते हैं तो एक एंटर रेफरल कोड आता है सामने, और उस पर आप इस तरीके से ST लाइव लिख देंगे, और लेकिन ये अप्लाई बटन आपको दबाना जरूरी होगा वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये अप्लाई बटन दबा दीजिए, और जैसे ही अप्लाई बटन दबाते हैं तो आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 7,000 रुपये की जगह 6,300 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, फिर मौका किस बात का छोड़ना, तुरंत परीक्षा। मैंने बहुत धर्म कल बता दिया था, मैंने वैसे भी कहा है कि आज मैं इस्लाम पे चर्चा कर लेता हूँ, एक आध धर्म और में अगर होता है तो मैं बता देता हूँ। जी हाँ, इस्लाम इस शब्द से बहुत लोग, कई लोग वाकिफ हैं। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए आप। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि ये एक विचित्र विडम्बना है हिंदुस्तान में कि हम एक 1,000 सालों से भी ज़्यादा हम एक खुली आसमान की छत पर हिंदू और मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं, पर हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की पूजा पद्धतियों के बारे में बहुत कम जानते हैं और बहुत कम जानने का प्रयास किया है। एक हिंदू नहीं जानता है, एक हिंदू महिला से पूछिए कि मस्जिद में कैसे पूजा की जाती है तो वो नहीं बता सकती। तो ना जानने का प्रयास किया है, ना जानते हैं इस्लाम है क्या। आपको हम ना थोड़ा सा बेसिकली आपको इस्लाम के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले
एक तारीख लिखता हूँ जिसका तारीख का नाम होता है 29 अगस्त, और इस 29 अगस्त को एक जन्म हुआ था जिनका नाम था हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद, अब ये इतने बड़े, इतने आदरणीय, इतने सम्मानीय है, हजरत मोहम्मद साहब बोला जाए इनको तो बहुत ही सही वर्ड आता है। हजरत मोहम्मद साहब थे जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। अगर आपको सन को याद करना है तो आपको सन को याद करते ही साथ में आपको एक चीज़ और बोलता हूँ कि ये 570 है। यहाँ भारत में गुप्तोत्तर को काल की तैयारियाँ चल रही थी, उसके पहले जब मौर्यंस हुआ करते थे, जब सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी, जब मगध के साम्राज्य हुआ करते थे, तब पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम धर्म नहीं था। तो हमें यह समझना चाहिए कि इस्लाम एक नया धर्म है, इस्लाम एक नई संस्कृति है। तो मैं फिर आता हूं एक कबीले का नाम लेकर आपके सामने, और उस कबीले का नाम था कुरैश। और ये कुरैश कहां पड़ता है? मक्का में। और ये मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। तो एक कुरैश नामक कबीला है, मक्का में पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है, 570। बिल्कुल प्यार से याद करते चलिए, क्योंकि ये देखिए ईसा पूर्व की घटनाएं नहीं है, लेकिन मोहम्मद साहब के साथ घटनाएं घट घटी थी। जन्म से पूर्व पिता का निधन हुआ, और 5 वर्ष बाद माता का भी निधन हो गया। अब ऐसी हालातों में हजरत मोहम्मद साहब की जो परवरिश की, जो देखभाल की, तो वो उनके दो लोग थे। वो दो लोग कौन थे? उनके दादा थे, चचा थे। अब मुझे जहां तक याद आ रहा है नाम चचा अबू तालिब, और दादा का नाम जो था वो था मुतल्लिब। चचा का नाम अबू तालिब था, दादा थे मुतल्लिब, और 25 वर्ष की उम्र में उनका जो विवाह था वो खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुआ था। खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुआ था। तो देखिए, अब धीरे 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 हम जा रहे हैं। मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, तब जितने अरब वासी थे वे अत्यंत पिछड़े थे, बहुत ही अंधविश्वासी थे, घोर मूर्ति पूजक थे, पंडित पुरोहितों का बड़ा आतंक था। और अतः मोहम्मद साहब ने इन कबीलों को, इन चरवाहों को एक करने का प्रयास किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया। देखिए, 15 वर्ष तक तो वो अपने स्वतंत्र व्यापारिक कारोबार में लगे रहे, लेकिन फिर उन्हें कुछ ना सूझा तो वो चिंतन मनन करने के लिए निकल पड़े, और उसी में लीन हो गए। तो फिर मक्का के समीप, यहां ध्यान देना आपको जरूर है, मक्का के समीप एक हेरा की चोटी होती है। काय की चोटी होती है बेटा? हेरा की चोटी पर। तो उनको एक हेरा की चोटी पर एक देवदूत आकर मिलते हैं। तो जब उन्हें देवदूत मिलते हैं, देवदूत कहलाता है, जिब्रील नाम था उनका, और जिब्रील एक संदेश देते हैं, उनके हाथ में एक किताब देते हैं, और वो किताब का नाम होता है कुरान शरीफ। तो वो कुरान शरीफ वो कहते हैं कि जाओ, जाकर कुरान शरीफ का जो प्रचार है वो ईश्वरीय संदेश के रूप में जाके करो। और बस
यहीं से इस्लाम स्टार्ट हुआ है। तत्पश्चात वे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में तन मन धन से लग गए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसके बाद की कहानी आपको सुनाता हूं। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा सकता हूं यहां से तक कि इस्लाम 29 अगस्त 570 को हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कुरैश के मक्का जो कि सऊदी अरब में था, जन्म के पूर्व ही पिता का निधन हो गया था। 5 साल की आयु में माँ का निधन हो गया था। 25 वर्ष खदीजा नामक विधवा से उनका विवाह हुआ था। 15 वर्षों तक वो व्यापार करते रहे, फिर वो चिंतन मननशील हो गए। तब जाकर ही मक्का के पास हीरा की एक चोटी थी और उस हीरा की चोटी पर उन्हें देवदूत जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ और देवदूत जिब्रील ने कहा कि उन्हें के हाथ में एक कुरान शरीफ दी और कहा कि जाओ इसका ईश्वरीय संदेश के रूप में प्रचार करो। वो प्रचार में लग गए, लेकिन उस समय मक्का में मूर्ति पूजकों का, यानी आप एक शब्द में बोले कि पुरोहित वर्ग का बड़ा आधिपत्य था। उन्होंने इस बात को नहीं आराम से स्वीकारा, उनका मूर्ति पूजा का धंधा चौपट होने वाला था। तो आता है 16 जुलाई 622 इस जो मक्का से मोहम्मद साहब को बाहर कर दिया गया तो मोहम्मद साहब मदीना जाकर जा पहुंचे, और मदीना में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। तो ये यशरीब करके जगह था, ये 300 किलोमीटर दूर था यहां से, 300 किलोमीटर दूर था। उस समय 300 किलोमीटर की दूरी बड़ी दूरियां कह जाती थी। और ये 622 की वारदात थी। तो मक्का से मदीना जाना ये घटना हिजरत कहलाती है। और आप जिसे कहते हैं ना हज शब्द, यही हज है। आज जो लोग जाते हैं वो मक्का से मदीना जाते हैं तो वो एक सांकेतिक रूप में जाते हैं कि हम मोहम्मद साहब के साथ जा रहे हैं। और यहीं से हिजरी संबत भी शुरू होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से क्या शुरू होता है, हिजरी संबत भी शुरू होता है। दोस्तों ये अलग बात थी कि कलंतर में लगभग 8 साल बाद 630 में मक्का वापस आए मोहम्मद साहब और अपने 10,000 समर्थकों के साथ उन्होंने मक्का पर को चढ़ाई किया, जीता, इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम को लोकप्रिय बनाया। और 632 में, तो मैं आपको ये बताया कि ये 630 ईस्वी थी, ये 622 में गए थे, 630 में लौटे, और 630 में मोहम्मद साहब का निधन हो गया।
निधन हो गया। तो वो मुझे दिन भी याद आया, 8 जून था। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया कि वो मक्का में प्रचार किया तो मक्का के पुरोहितवारों ने मदीना भेज दिया उन्हें, तो ये मदीना यही हिजरत कहलाती है। और फिर वो लौट के जब आए अपने 10,000 समर्थकों के साथ तो मक्का को जीता। तो ये घटना 622 और 630 में घटी, और 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने ये चीजें आपको बताई। अब मैं आता हूं इस्लाम धर्म पे। तो इस्लाम धर्म पे जब मैं आता हूं तो अब मैं आता हूं इस्लाम शब्द के अर्थ पे आना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण यही इस्लाम का अर्थ है। अल्लाह को समर्पण यही इस्लाम का अर्थ है। और इस प्रकार वह मुसलमान जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया वही सच्चा मुसलमान कहलाता है, वही इस्लाम के धर्म के नियमों पर चलता है। दोस्तों इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत ये है कि अल्लाह ही एकमात्र सर्वशक्तिमान, एकमात्र ईश्वर, जगत का पालनहार, पालक और हजरत मोहम्मद को उनका संदेश वाहक मानता है। उन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उनका एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलिल्लाह, इसका अर्थ यह होता है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई दूसरा सर्वशक्तिमान नहीं है, और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुसलमान हमेशा इस कलमे को दोहराते हैं। अब अल्लाह कहां रहता है? अल्लाह सातवें आसमान में रहता है। और कुन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहां रहता है? सातवें आसमान में रहता है। और कुन शब्द का इस्तेमाल करता है अर्थात अभाव में कुन वहीं बैठ के वह सृष्टि की रचना करता रहता है। उसकी रचनाओं में आग से बने फरिश्ते भी होते हैं या शैतान भी होते हैं। मनुष्य उसका सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य एक बार जीवन लेता है फिर मर जाता है, लेकिन कयामत के दिन वो फिर जी उठता है। और इस दिन अल्लाह उसके कर्मों का फैसला करता है, या तो उसे जन्नत देता है या उसे
अब जन्नत या एक शब्द और आता नरक देता है, चलिए मैं नरक बोल देता हूं, अब मुझे दोजक याद आ रहा है पर मैं अभी नरक बोलूंगा। देखिए मैं आपको, देखिए दो लोग हैं, एक अल्लाह है, उनकी बातें उनके संदेश कुरान शरीफ में लिखे हैं। मैं एक चित्र भी नहीं बना सकता हूं यहां अल्लाह का, कब मेरे खिलाफ फतवा जारी हो जाए, ये उनकी धार्मिक मान्यता है। वे अल्लाह को चित्र में नहीं बना सकती और मोहम्मद साहब का भी नहीं ऐसा कहा। तो मोहम्मद साहब के जो विचार हैं वो हदीस नामक ग्रंथ में लिखे गए। तो मोहम्मद साहब का हदीस अक्सर उन बातों को लिखता है जहां पर अल्लाह ने व्याख्याओं को छोड़ दिया था, अधूरी रह गई थी, और अपने जीवन अन्य जीवन जन्य अनुभवों के आधार पे बाकी नियमों को मोहम्मद साहब ने लिखा है। मुसलमान दोनों को बहुत मानते हैं। अगर हम मुस्लिम में आते हैं तो पांच प्रकार के काम होते हैं। एक होता है नित्य, एक होता है काम्य, एक होता है संगत, एक होता है असंगत, और एक होता है निषिद्ध। संगत असंगत को एक शब्द और उर्दू में बोलते हैं सम्मत असम्मत। नहीं नहीं ये अरबी फारसी शब्द है सम्मत असम्मत, उर्दू शब्द नहीं है। अब हमें नित्य के साथ एक और चीज जुड़ती है नैमित्तिक। और काम को सम्मत असम्मत से जोड़ लिया जाता है, तब हमारा पांच बन जाता है एक दो तीन चार और पांच। आइए नित्य पे चर्चा करते हैं। आइए मैं मुसलमानों का इस्लाम का नित्य यानी वो कार्य जो उन्हें करना ही पड़ेगी, तो उन्होंने कहा है एक मुसलमान को प्रतिदिन पांच नमाज पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भैया? पांच नमाज। और अगर आप इस पीरियड को सुन रहे हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए कि दैट्स कॉल्ड फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा।
ये पांच उनकी नमाजों के नाम हैं, फजर, जुहर, अशर, मगरिब और ईशा। दूसरा, उन्हें जकात देना चाहिए। जकात यानी होता है दान, पर यहां पर दान से अर्थ दान पेटियों में नहीं है, और वो दान दिया जाता है, जकात से तात्पर्य होता है जरूरतमंदों को, जरूरतमंदों को। और कहीं कहीं इसको एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सदका, और सदके से मतलब रहता है एक परसेंटाइल है जो जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, जो लोग अमीर होते हैं, जो बड़ा शानदार तरीके से एक शेर पढ़ते हैं, आप बच्चों की समझ में नहीं आएगा, वाजिब है हर सदका हर मालदार का, तुम हुस्ने मालदार हो बूशे दिया करो, वाजिब है हर सदका हर मालदार का, और तुम हुस्ने मालदार हो बूसे दिया करो, बूसे यानी चुम्बन होते हैं। तो पांच वक्ति का नमाज था, जकात था, और तीसरा था रमजान। तो रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए, रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए। मुस्लिमों का एक माह का ये बड़ा धार्मिक फेस्टिवल होता है, और जिसमें मुसलमान बड़ी शिद्दत के साथ रोजे रखा करते हैं। जीवन में बस एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। हज मैंने आपको समझा दिया कि मक्का से मदीना जाना, और पांचवा था जिहाद। बिल्कुल नहीं, ये गलत शब्द में जिहाद नहीं है, मैं किसी को आतंकवादी बनने की प्रेरणा नहीं दूंगा। और जिहाद का अर्थ होता था धर्म रक्षा, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना चाहिए, यह मोहम्मद साहब ने भी कहा है, पर आतंक नहीं फैलाना चाहिए। वहां प्रश्न है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध है, तो मैंने आपको नित्य कार्यों के बारे में समझा दिया। अब मैं बाकी के जो बच्चे थे उन पे बताता हूं। एक होते हैं नैमित्तिक, तो नैमित्तिक वो कर्म होते हैं जिन्हें आपने कर दिया तो आपको पुण्य मिलेगा, पर जिन्हें आपने नहीं किया तो पाप नहीं मिलेगा। ये देखिए बड़ा प्यारा कैटेगरी है कि अगर आपने किए तो आपको पुण्य मिल जाएंगे, और आपने नहीं किए तो आपको पाप नहीं पड़ेगा। काम से मतलब है इस्लाम छूट देता है कि अपनी कामना मनोकामना आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किए गए जो काम होते हैं वो ये श्रेणी में रखे जाते, तो वो ज्यादा यहां पर एक लिबरल भी है सोसाइटी के लिए। असम्मत,
असंबद्ध में वो चीजें आती है जिन्हें करने के लिए आपने अगर कर दिया तो इस्लाम आप सम्मत नहीं है। देखिए बड़ा ध्यान से, सम्मत नहीं है, परंतु करने पर वो दंड भी नहीं देता है। दंड भी नहीं देता है। और निषिद्ध ना तो सम्मत भी नहीं है और दंड भी देता है। जैसे हमने कहा आपको कि आपने अगर मोहम्मद साहब का चित्र बना दिया तो ये निषिद्ध है, तो उसके लिए वो फतवे भी जारी करेगा। हम अगर इस्लाम के संप्रदायों पे आ जाए तो दो संप्रदाय हमें मिलते हैं, एक मिलता है सिया और एक मिलता है सुन्नी। पूरी दुनिया में इन पे बड़ा इनके बीच में विवाद होता है, सिया और सुन्नी पे। देखिए एक तो मोहम्मद साहब और उनकी बेटी का नाम था फातिमा और उनके दामाद का नाम था अली। इनके जो बेटे थे इनके नाम थे हसन और हुसैन। आराम से समझ लीजिए, सिया सुन्नी, मोहम्मद साहब, फातिमा अली, हसन, हसन हुसैन। ये जो पूरा मोहम्मद साहब का पूरा जो चार्ट फिलो बना है, इस पूरे चार्ट फिलो को एज ए उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं वो है सिया। और जो सुन्नी है वो सिर्फ मोहम्मद साहब को मानते हैं। बस यही अंतर है इनमें। मैं छोटी सी बात पे आता हूं, हिजरी संबत मैंने एक डेट बताई थी 16 जुलाई 622 जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो यह दिन हिजरत का दिन कहलाता था और इस दिन से हिजरत संबत भी शुरू हुआ था। तो एक हिजरी संबत और फिर हिजरी कैलेंडर आ गया। तो इस हिजरी कैलेंडर में जो महीने पड़ते हैं वो 30 और 29 दिन के पड़ते हैं, तो इस तरीके से ये टोटल 354 डेज आते हैं। और जो हिंदू कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर हैं उसमें 365 दिन आते हैं। एक मुस्लिम कैलेंडर 11 दिन पीछे चलता है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रमजान, इस बार का रमजान अगले साल कब पड़ेगा या 2 साल बाद का रमजान कब पड़ेगा, तो 2 साल बाद का रमजान 22 दिन पीछे पड़ता है।
एक तीसरा आपके पास एक क्वेश्चन और आता है कि साहब अगर ये दोनों कैलेंडर अभी तक चल रहे हैं तो आखिर ये 11 दिन कहां चले जाते हैं। ये 11 दिन कहां घूम जाएंगी, तो ये 11 दिन कहां घूम जाएंगे तो ये भी देख लीजिए। तो हर 30 साल के बाद एक महीना पड़ता है जिसे कहते हैं जिला हिजा का महीना। और उस जिला हिजा के महीने में तो आप समझ सकते हो 30 × 11 तो ये 330 दिन का महीना पड़ता है। तो वो जो साल चलता है वो जिला हिजा साल चलता है और 331 दिन से फिर हिजरी जम्मत का पहला महीना चलेगा। आपको मेरे ख्याल से मेरी बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ लास्ट चीज़ के बाद कि शरीयत शरीयत से लेके कि मुसलमानों की शरीयत क्या है। तो पहला ये कुरान शरीफ को मानते हैं, फिर हदीस, वो जो फैसले होते हैं वो हदीस शरीफ से करते हैं, और फिर तीसरा इनका इजमाओ से करते हैं और कियास। ये उनकी शरीयतें हैं जिससे वो फैसले करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बेसिक जानकारी आपके बारे में को इस्लाम के बारे में आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दी है, और यही क्वेश्चंस हैं जो आपके बीच में आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही चाहूँगा कि बाकी चीज़ें तो मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ, कल मैं आपको कुछ नए धर्म बताऊँगा कन्फ्यूशियस धर्म के बारे में, जैन धर्म बचा है, हिंदू धर्म भी बचा है, तो मैं उनके बारे में भी आपको रोज़ आपको जानकारी दूंगा। और ST लाइव से अगर आप जुड़ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि क्रैश कोर्स के लिए प्लस कोर्स में आप लगातार, मैं आपको बहुत अच्छा काम करा रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें आप, और घंटी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।